दंगों के बाद पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान के बाद लगातार पुलिस की कार्यवाही की जा रही है और इसी कार्यवाही का नतीजा आज मेवात के नूह में दिखाई दिया, जहां पुलिस ने रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया है। ये तस्वीरें मेवात के नूह की है, जहां रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर हरियाणा सरकार का पीला पंजा चलाया गया। दरअसल आपको बता दें, हिंसा के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंसा में शामिल लोगों पर कड़ी कार्यवाही की बात कही थी और ये बात आज नूह में सच होती नजर आ रही है। नूह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस की प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि ये लोग हिंसा में शामिल थे और इन रोहिंग्याओं ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP की जमीन पर भी अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस और HSVP की संयुक्त कार्यवाही के बाद हिंसा में शामिल इन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्यवाही हम सब ने देखी है, लेकिन ये पहली बार है जब हरियाणा में हिंसा में शामिल लोगों के घरों पर मनोहर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। साथ ही हिंसा में शामिल लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चला रही है। फिलहाल मेवात हिंसा में हरियाणा पुलिस की ये पहली कार्यवाही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर मेवात हिंसा में शामिल और कौन कौन से लोगों का नाम सामने आता है और किस किस के घर पर ऐसी बुलडोजर की कार्यवाही देखने को मिलती है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।